नमस्कार दोस्तों, MS ऑनलाइन स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, बिग न्यूज आपके लिए, रिजल्ट आ चुका है आपका और डॉक्यूमेंट के लिए बुलाया गया है। आर्ट एंड क्राफ्ट जो भर्ती का एग्जाम हुआ था 31 जनवरी को, एडवर्टाइजमेंट नंबर 6/2006, कैटेगरी नंबर 22। तो इसमें तो दोस्तों ये नोटिस है दोस्तों, इसमें जो रिजल्ट है तो डॉक्यूमेंट के लिए बुलाया गया है इनको। तो ये रोल नंबर दे रखे हैं इन्होंने, 816 पोस्टें थी इस पे। तो ये जिन जिन के आप के रोल नंबर है वो आपको बुलाया गया है, वहां पे डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे। ये मेरे हिसाब से 3 गुना होंगे ये पोस्ट के, और मैंने कंफर्म नहीं किया, कंफर्म करके मैं दोबारा इसमें कमेंट करूंगा। अभी बहुत जल्दबाजी में ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि रिजल्ट अभी आया है, ये 21 पेज का ये रिजल्ट है। आप अपना रिजल्ट चेक कर लीजिए। तो नोट क्या है दोस्तों, नोट दे रखा, द स्क्रूटनी ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑफ अबो कैंडिडेट विल बी हेल्ड फ्रॉम 1/3/21 टू 3/3/21 ताऊ देवीलाल स्टेडियम सेक्टर 3 पंचकुला एज शेड्यूल्ड इन नोटिफाइड शॉर्टली ऑन कमीशन वेबसाइट। तो दोस्तों 1 मार्च से 3 मार्च तक ये आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलेंगे ताऊ देवीलाल स्टेडियम सेक्टर 3 पंचकुला के अंदर। ये दे आर ऑल्सो डायरेक्टेड टू ब्रिंग ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सेट ऑफ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स। तो आपको ओरिजिनल के साथ साथ एक सेट आपको फोटोकॉपी की जो अटेस्टेड होने चाहिए वो आपको मंगवाया गया है। फील्ड स्क्रूटनी फॉर्म, 1 ID प्रूफ, स्क्रूटनी फॉर्म भी आपको फिल करना है, और 1 ID प्रूफ, कोई भी आधार कार्ड या पैन कार्ड, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ डाउनलोडेड एप्लीकेशन फॉर्म, जो आपका एप्लीकेशन को फॉर्म है वो उसको भी सेल्फ टेस्ट करके आपको लेके जाना है। सेकंड पॉइंट देर का आपको, इट इज इम्पोर्टेंट टू नोट द आफ्टर स्क्रूटनी ऑफ डॉक्यूमेंट इफ कैंडिडेट इज फाउंड एलिजिबल इट विल बी नॉट कन्फर एनी राइट ऑफ एंट्री एंड तो दोस्तों इस सेकंड पॉइंट में आपको कहा गया है कि ये इंटरव्यू के लिए 3 गुना को ही इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, इनमें से जो रोल नंबर आए हुए हैं इनमें से 3 गुना को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो दोस्तों आगे थर्ड पॉइंट में ये कहा गया है कि कोई भी टेक्निकल एरर और इश्यू आएगा तो उसको रूल्ड आउट कैन नॉट रूल्ड आउट, तो रूल आउट नहीं किया जाएगा। मान लो अपना काम टाइम पे करना है तो कोई बहाना वगैरह नहीं चलेगा। द रिजल्ट इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन द वेबसाइट HSSC.. तो ये जो रिजल्ट आपका HSSC की वेबसाइट पर दिया हुआ है। तो दोस्तों ये रिजल्ट आप देख के और जो डॉक्यूमेंट है वो अपना सेट तैयार कर लीजिए, और 1 मार्च से 3 मार्च तक आप अपना डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा सकते हैं। एक दो नोटिस और आएंगे, वो भी आपको अपडेट करते रहेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन मंगलमय हो।